नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में और मैं हूं आनंद कुमार। आज के इस वीडियो में हम इस सप्ताह का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने 7 जुलाई तक जितने भी छत्तीसगढ़ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब का हमने एनालिसिस कर लिया था। आज के इस वीडियो में 8 जुलाई से लेकर आज तक यानी कि 16 जुलाई तक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के उन सब का हम यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ ज्ञान है। बार बार ये बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे थे कि जिस तरह से दी करंट अफेयर शो हमने शुरू किया है डेली बेसिस पे, उस तरह से छत्तीसगढ़ करंट अफेयर को भी शुरू किया जाए। देखिए, मैं आप लोगों से यहाँ पर कुछ सुझाव देना चाहूँगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में जितने टॉपिक्स आते हैं और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की जो प्रायोरिटी है, हालांकि स्टेट लेवल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, और जितने टॉपिक्स आते हैं उस हिसाब से आपका वीकली जो करंट अफेयर है वो सफिशियंट है। और ये बात मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ वीकली करंट अफेयर को फॉलो कर लें तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में कुछ बच रहा है तो जो मैगज़ीन आता है वो परचेस कर लीजिए। इस मंथ की जो हमारी मैगज़ीन है अगस्त वाली एडिशन आ चुकी है, अगर आप चाहो तो मार्केट जाओ और उसे परचेस कर लो। तो ये बात आप बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि हम अगर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर को वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो कोई आपका कंटेंट छूट रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद पूरे सप्ताह भर एनालिसिस करता हूँ और सप्ताह भर में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, उसके बाद गवर्नमेंट की वेबसाइट्स खंगालता हूँ, उसके बाद जाकर आपका ये वीकली करंट अफेयर तैयार होता है। और ये मत सोचिए कि आपका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन सब का यहाँ एनालिसिस किया जाता है इस वीकली सेशन में। तो जितनी ज़रूरत है उतना हम यहाँ पर बिल्कुल कर रहे हैं, तो ये वाला जो डर है अपने मन से निकाल दीजिए। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ये करना है कि छत्तीसगढ़ वीकली करंट अफेयर आ रहा है, इसके अलावा जो नेशनल वीकली करंट अफेयर वाला सीरीज़ था वो रुकेगा नहीं। हालांकि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो थोड़ा सा होल्ड ज़रूर हुआ था, लेकिन हम वापस से उसको कंटिन्यू करने वाले हैं इसी सप्ताह से शायद कर दें। इसके अलावा दी करंट अफेयर शो इंडिया में अगर आप किसी भी और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके माध्यम से कर सकते हैं और आप उसे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है यहाँ पर हमें। तो दी करंट अफेयर शो को अगर आप नेशनल लेवल पर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अगर आपका कोई दोस्त कर रहा है तो आप उस तक शेयर कीजिए, आप उसे प्रमोट कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, तो इतना आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो घबराइएगा मत। छत्तीसगढ़ में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ से पूरी तरह से आप उसे बखूबी अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप लोग वीडियोस को लाइक शेयर तो करते ही हो और चैनल पे नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा डेली अपडेटेड रहने के लिए आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, यहाँ भी कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। इन तीनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा जो पिछले वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स एनालिसिस किया था उस टॉपिक्स के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसकी संभावना होती है कि वो परीक्षा में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको देना है। पहला क्वेश्चन है, राज्य में मुनगा लगाने का महाभियान कब शुरू किया गया, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई या फिर 7 जुलाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACCR के अंतर्गत सबसे लंबी चलाई गई ट्रेन का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। शेषनाग, एनाकोंडा, सुपर एनाकोंडा या फिर इनमें से कोई नहीं, हाल ही में चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, इसका जवाब, दो ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चलिए, इसके बाद आज का हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। और इस सप्ताह में एक कैबिनेट मीटिंग बैठी छत्तीसगढ़ में और उस कैबिनेट मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें से दो ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जिसे मुझे लगता है कि यहाँ एनालिसिस होना चाहिए और वो दोनों ही फैसले बहुत अहम हैं।
सबसे पहले फैसले की तरफ मैं आऊँगा, वो है छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन। देखिए, छत्तीसगढ़ को सांस्कृतिक राज्य भी कहा जाता है। यहाँ पर संस्कृति की छटा देखने को मिलती है। आदिवासी संस्कृति की अगर आप बात कर लो, भौगोलिक संस्कृति की अगर आप बात कर लो, तो हर संस्कृति की तरफ छत्तीसगढ़ की छटा कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। और इसे बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला लिया है कि एक संस्कृति परिषद का गठन किया जाएगा इस कैबिनेट में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में एक संस्कृति परिषद का गठन किया जाएगा। अब यहाँ पर जानने योग्य बातें ये हैं कि इस संस्कृति परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा और इस परिषद के जो उपाध्यक्ष होंगे वो संस्कृति मंत्री होंगे। इसके अलावा इस परिषद के जो सदस्य होंगे, जो संस्कृति परिषद से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो मंत्रालय के जो सदस्य हैं यानी कि मंत्री हैं, वो इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा जो हमारे विधायक लोग हैं वो सारे इसके सदस्य हो सकते हैं। तो इस संस्कृति परिषद के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में संस्कृति को और अधिक बढ़ावा देने के लिए एक संस्कृति परिषद का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो मुख्यमंत्री होंगे। ठीक, इसके बाद इसी कैबिनेट में सेकंड जो इम्पोर्टेंट निर्णय लिया गया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका पेपर नंबर 5 छत्तीसगढ़ इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम बार बार बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 और 1924 की, और छत्तीसगढ़ के इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस साल के मेंस पेपर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। वन डे एग्जाम के लिए भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अगर मैक्सिमम चांसेस हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाए, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और प्रायोरिटी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे वीडियो में हमने एनालिसिस किया है, उसमें से एक प्रायोरिटी जो है आपका वो है बायो एथेनॉल बनाने की। और छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में ये फैसला लिया है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत यहाँ पर PPP मॉडल को अपनाया जाएगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अपनाया जाएगा। सरकार जो है प्राइवेट कंपनियों के साथ में मिलकर यहाँ पर बायो एथेनॉल प्लांट का निर्माण करेगी। बायो एथेनॉल पर हमने बार बार चर्चा किया है, कभी धान से बायो एथेनॉल बनाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति की बात पर चर्चा किया है, यहाँ बनाया जाएगा इस पर चर्चा किया जाएगा, इस पर भी चर्चा किया है हमने। इस बात पर भी चर्चा किया है कि अगर बायो एथेनॉल प्लांट बनाए जाते हैं तो इससे एनवायरनमेंट को किस प्रकार से फ़ायदा पहुँचेगा, किसानों को किस प्रकार से फ़ायदा पहुँचेगा, राज्य की आय में किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी, देश को किस प्रकार से फ़ायदा होगा, तो इन सब बिंदुओं पर भी हमने चर्चा कर रखा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 और 24 में प्रायोरिटी वाले कैटेगरी में से बायो एथेनॉल को आप वैल्यू एडिशन के तौर पर ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सरकार PPP मॉडल पे जाने वाली है और इस कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है। तो खासकर ये वाला जो सेकंड पॉइंट था आपका पेपर नंबर 5 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप इसे ध्यान में रख सकते हो। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर सेकंड टॉपिक है हमारा, छत्तीसगढ़ सरकार का वित्त विभाग ने टारगेट रखा है GST कलेक्शन को लेकर 2020 और 21 फाइनेंशियल ईयर के लिए, कि राज्य सरकार कितना GST कलेक्शन करने वाली है। जो टारगेट निर्धारित किया है वो इस प्रकार से है, फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में 10,700.92 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और ये GST कौन सा है? SGST और IGST, इन दोनों के तहत इतना कलेक्शन किया जाएगा। और यही लक्ष्य 2019 और 20 में राज्य सरकार ने कितना लक्ष्य निर्धारित किया था? 9,541 करोड़ रुपए का SGST और IGST मिलाकर। तो इसका भी आप पेपर नंबर 5 में अगर GST संग्रहण से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इनका वैल्यू एडिशन कर सकते हो। चलिए, पिछले साल की तुलना में अगर आप देखोगे तो यह जो लक्ष्य है 1,159 करोड़ रुपए ज़्यादा है। इसके अलावा VAT टारगेट भी देख लो, वित्त विभाग ने 2020 और 21 के लिए जो VAT कलेक्शन होता है उसका टारगेट कितना निर्धारित किया है उस पर भी बातें कर लेते हैं। VAT क्या है? मतलब पेट्रोलियम पदार्थ या फिर शराब पर जो टैक्स
अभी वसूलती है सरकारें वो वैट के अंतर्गत में आ जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें तो जीएसटी के अंतर्गत में चली गई। और जो पहले वैट लिया जाता था, अप्रत्यक्ष टैक्स लिया जाता था, उसमें से पेट्रोलियम पदार्थ और शराब जैसी चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया, और जीएसटी से बाहर रखा गया तो वो चीज़ें किसके अंतर्गत में आ जाती हैं, तो वो चीज़ें वैट के अंतर्गत में आ जाती हैं। और इसका लक्ष्य क्या है 2020 और 21 में, ये है आपका 4,144.86 करोड़ रुपये का। तो ये जो डेटा है आप वैल्यू एडिशन के तौर पर यहाँ याद रख सकते हो। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, गोधन न्याय योजना, मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपका जो आने वाला ACF का पेपर है उसके लिए तो मस्ट है ही। पेपर नंबर 7 में जो छत्तीसगढ़ के स्कीम से रिलेटेड वाला जो वहाँ पर टॉपिक है उसके लिए भी मस्ट है, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो में हमने एनालिसिस किया भी था। ये गोधन न्याय योजना कब से शुरू हो रहा है, हरेली पर्व के अवसर पर शुरू हो रहा है। और इस गोधन न्याय योजना को जोड़ा गया है कौन सी योजना से, सुराजी गांव योजना से इस गोधन न्याय योजना को जोड़ा गया है, जिसके तहत सरकार जो है गोबर खरीदने वाली है। इतनी बातें हमने पहले भी एनालिसिस कर रखा है, फिर भी बता दिया, जो बच्चे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो जान जाएं कि आखिर गोधन न्याय योजना है क्या। तो गोधन न्याय योजना के तहत में छत्तीसगढ़ सरकार ने अब यहाँ पर यह फैसला लिया है। पहले फैसले में ये था कि 1.5 रुपये किलो के हिसाब से गोबर की खरीदी की जाएगी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 2 रुपये कर दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो गोबर की खरीदी की जाएगी वो 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से की जाएगी। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट की जो खरीदी है वो 8 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से की जाएगी। यहाँ पर मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वर्मी कंपोस्ट आखिर होता क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ और पॉइंट्स को समझ लीजिए। एक्चुअली में देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर शिफ्ट होने वाली है। जैसे ईस्टर्न आप स्टेट की तरफ चले जाओगे, पूर्वी राज्यों की तरफ चले जाओगे, तो वहाँ पर देखोगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, सिक्किम में, असम में। तो उसी तरह यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाना चाहती है। इसी के तहत में सुराजी गांव योजना के तहत में गौठानों का निर्माण किया गया, और गौठानों के निर्माण में देखोगे तो इस साल के अंत तक, यानी कि 2020 के अंत तक 5,000 गौठानों के निर्माण का लक्ष्य भी है। सरकार चाहती है कि इस साल के अंत तक 5,000 गौठान का निर्माण हो जाए। वर्तमान समय में लगभग 2200 से 2300 गौठान जो है वो निर्मित हो भी चुके हैं, और यहीं से जो पशुओं के गोबर निकलेंगे उसको खरीदा जाएगा, और उससे जो है खाद बनाया जाएगा, और उस खाद के जरिए जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का कॉन्सेप्ट है उसको फुलफिल किया जाएगा। घुरवा के तहत में यहाँ पर कंपोस्ट खाद बनाने की बात कही गई है। तो जब गोबर की खरीदी हो जाएगी और वर्मी कंपोस्ट जब निर्मित हो जाएगा तो वहाँ पर घुरवा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ छत्तीसगढ़ सरकार धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगी। यहाँ पर किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा बचत होगा। और इसके अलावा रोका छेका अभियान सरकार की तरफ से चलाया गया। अब रोका छेका अभियान सरकार की तरफ से इसलिए चलाया गया कि एक तो किसानों का जो फसल बर्बाद हो जाया करता था पशुओं से, रोका छेका अभियान के तहत में उस फसलों को बचाया जा सकेगा, और फसल को गौठानों में रखा जा सकेगा, और उसके बाद गोधन न्याय योजना के तहत उस गोबर को कलेक्ट कर खरीद कर किसानों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके, किसान भी सशक्त होंगे। और छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा आबादी जो है 76% के आसपास वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और अगर ये सशक्त होते हैं तो राज्य अपने आप सशक्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार का जो कॉन्सेप्ट है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर, कहीं ना कहीं आप इसे एक सकारात्मक पक्ष के रूप में देख सकते हो। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होता है तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो विकास की रफ्तार है वो बढ़ेगी, और छत्तीसगढ़ सरकार का कॉन्सेप्ट एक बेहतर कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो। हालांकि ये जमीनी स्तर पर कितना उतरता है वो आने वाली बात है। ये सारी चीज़ों को मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मुख्य परीक्षा में इसका इस्तेमाल कर सकें। चलिए इसके बाद वर्मी कंपोस्ट की हम लोग बात कर रहे थे। वर्मी कंपोस्ट में कुछ इस तरह से जगह बनाया जाता है, सीमेंट का एक क्यारी बनाया जा सकता है, सीमेंट की जगह किसी और का भी क्यारी बना सकते हो। इसमें आप सड़े गले पत्तियों को डालते हो, इसमें गोबर को डालते हो, बहुत सारे जो कंपोस्ट होते हैं उसको डालते हो, इसके साथ में आप केचुए को डाल देते हो और उसकी मदद से उसे सड़ने देते हो, और जब वो सड़ते रहता है तो उसके बाद धीरे धीरे ये वर्मी कंपोस्ट जो है वो तैयार हो जाता है। तो प्रदेश सरकार जो है 8 रुपये पर किलो के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट को खरीदने वाली है। ठीक है, इतनी बातों को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और
यही दर्पण पोर्टल का मोबाइल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि ये दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन है क्या। हालांकि एक वीडियो में मैं एनालिसिस कर चुका हूँ कि ये दोनों है क्या। तो एक्चुअली देखिए, लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री चाहते थे कि उनकी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जैसे सुराजी गांव योजना, इसके अलावा और भी जो योजनाएं हैं, उसकी मॉनिटरिंग वो ऑनलाइन घर से ही कर सकें, अपने ऑफिस से कर सकें। इसीलिए एक मोबाइल एप्लीकेशन और एक पोर्टल डेवलप किया गया था जिसका नाम था दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन। इसको राष्ट्रीय अवार्ड मिला है और राष्ट्रीय पुरस्कार इन दोनों को दिया गया है एलिटस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 के तहत। और यह एटिलस एक्सीलेंस अवार्ड है क्या, तो यह देश का प्रतिष्ठित आईटी संस्थान है एलिटस टेक्नोमीडिया, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, इसी की तरफ से यह अवार्ड प्रत्येक साल दिया जाता है और 2020 के तहत छत्तीसगढ़ के दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को दिया गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि आखिर दर्पण पोर्टल को डेवलप क्यों किया गया था और दर्पण पोर्टल को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद हमारा आमचो इंद्रावती कठा लगाओ बूटा, छत्तीसगढ़ी शब्द है। कहने का मतलब ये है कि इंद्रावती के तट पर बहुत सारे वृक्षारोपण किए जाएंगे ताकि जो मिट्टी का कटाव है उसको रोका जा सके। इसीलिए एक महाभियान शुरू किया गया है और उस महाभियान का जो नाम दिया गया है आमचो इंद्रावती कठा लगाओ बूटा। ये नाम इसलिए दिया गया है ताकि उस एरिए के ग्रामीण लोगों को जोड़ा जा सके, जन समूहों को जोड़ा जा सके। इसीलिए इंद्रावती तट पर वृक्षारोपण के लिए इस महाभियान को शुरू किया गया है और जन समूह की मदद से यह अभियान चलाया जा सके, इसीलिए इसका नाम जो है इस रूप में रखा गया है। तो बस इतनी बातों को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर इंद्रावती नदी के बारे में आप लोग जान सकते हो, बस्तर ज़िले की महादायिनी नदी कहलाती है इंद्रावती नदी। और इस कार्यक्रम के तहत लगभग 153 किलोमीटर लंबाई क्षेत्र में 2135 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में 82,000 फलदार पौधों को लगाया जाएगा, ठीक है, स्थानीय लोगों की मदद से। और यह सब जो सारी चीज़ें हैं, वृक्षारोपण का जो कार्य किया जाता है वह हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत में किया जाता है। हर साल सरकार यह योजना लेकर आती है, जब भी वर्षा का मौसम आने वाला होता है तो उससे पहले सरकार तय करती है कि इस साल कितना वृक्षारोपण करना है। उसी आधार पर सरकार तय करती है कि इस साल कितना पौधा लगाया जाएगा। उसके बाद इंद्रावती नदी के तट पर, महानदी के तट पर, खारू नदी के तट पर, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और अलग अलग जगहों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। और हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत इस साल सरकार ने टारगेट रखा था टोटल 8 करोड़ वृक्षारोपण का। इस बात को भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चरोदा में रेलवे ने 50 मेगावाट सोलर प्लांट लगाने का फैसला लिया है। चरोदा आपका भिलाई के पास में स्थित है, यहाँ पर 50 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। किसकी तरफ से लगाया जाएगा? रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की तरफ से यह 50 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। वन डे एग्ज़ाम के लिए बस यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। लक्ष्य रखा है वर्ष 2021 तक इसको लगा लिया जाएगा और लागत 360 करोड़ रुपए का है। बस इतनी बातें ही इसमें ध्यान रखने योग्य है। और इस 50 मेगावाट का इस्तेमाल जो है रेलवे खुद के लिए करेगा। तो याद रखिएगा, भारतीय रेलवे जो है चरोदा में 50 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है वर्ष 2021 तक। इसके बाद का जो नेक्स्ट का टॉपिक है, इस बार जो बस्तर दशहरा है, मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वन डे एग्ज़ाम के लिए, आप लोग बहुत ध्यान से करके जाइएगा। वो 104 दिन का होगा। ऐसे नॉर्मल बस्तर दशहरा कितने दिनों का होता है? 75 दिनों का होता है, लेकिन इस बार 612 वर्षों में पहली बार विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा 75 दिनों का ना होकर 104 दिनों का होगा। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि इस वर्ष हिंदी कैलेंडर के अनुसार अश्विन माह का अधिमास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, वो आने वाला है। इसीलिए 104 दिनों का होगा बस्तर दशहरा। तो दो बातें यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग,
इस बार 75 दिनों का ना होकर 104 दिनों का होगा। और 104 दिनों का हो क्यों रहा है, तो ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो आश्विन माह का अधिमास आ रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जा रहा है, इस वजह से 104 दिनों का यह महोत्सव हो रहा है। जब आप लोग छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ते हो तो बस्तर दशहरा के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हो, क्योंकि बस्तर का जो दशहरा है वो विश्व प्रसिद्ध दशहरा होता है और दुनिया में सबसे लंबे दिनों तक मनाया जाने वाला दशहरा भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बातें हम लोग बस्तर दशहरा के बारे में भी कर लेते हैं। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि सबसे पहले 1408 में उस समय काकतीय शासक पुरुषोत्तम देव, जो कि बस्तर में उस समय राज किया करते थे, उनको जगन्नाथपुरी में रथपति की उपाधि से विभूषित किया गया था और एक 16 पहिया वाला जो वाहन है उन्हें भेंट किया गया था। और उसी 16 पहिया वाले वाहन के आधार पर जो है 612 वर्षों से बस्तर में बस्तर दशहरा का आयोजन किया जा रहा है। वैसे नॉर्मली ये 75 दिनों का चलता है, बस इस वर्ष जो है 104 दिनों का होगा। और पूजा जो है यहाँ आराध्या देवी माँ का किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि हम लोग आम तौर पर देखते हैं दशहरा में रावण दहन किया जाता है, लेकिन बस्तर के दशहरे में रावण का दहन नहीं किया जाता है। यहाँ बस आराध्या देवी माँ दंतेश्वरी, जो कि बस्तर में स्थित है, इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है, प्रदेश की पहली आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी चर्चा में क्यों है, वो हम बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले इस यूनिवर्सिटी के बारे में समझ लीजिए। इसका नाम है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। इसका निर्माण 2017 में किया गया था, कल्पना किया गया था 2005 में कि इस तरह का यूनिवर्सिटी का गठन किया जाएगा, लेकिन प्रोसेस बढ़ते 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 ये 2017 में आखिर इसको स्टैब्लिश किया गया और 2018 से इसका शिक्षण सत्र ऐसा माना जा रहा था कि शुरू कर देना चाहिए, पर हो नहीं पाया था। और कौन से जगह पे यह यूनिवर्सिटी है, सांकरा में स्थित है, जो कि राजनांदगांव ज़िले में स्थित है। अब यह पहली आध्यात्मिक प्रदेश की यूनिवर्सिटी, इस साल से इसका शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा, यानी कि 2020 और 21 इस यूनिवर्सिटी का पहला शैक्षणिक सत्र होने वाला है। यह इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए यह यूनिवर्सिटी न्यूज़ में है और इसलिए यह इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है कि इसका पहला शैक्षणिक सत्र जो है वर्ष 2020 और 21 से शुरू होगा। और इस यूनिवर्सिटी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यह पहले शैक्षणिक कोर्स में टोटल 28 कोर्स की पढ़ाई कराई जाएगी। और जैसे आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है, तो आप लोग समझ रहे हो कि इस आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में किस तरह की पढ़ाई करवाई जाएगी। आध्यात्म से संबंधित पढ़ाई करवाई जाएगी, योगा से संबंधित पढ़ाई करवाई जाएगी, तो इस तरह से यहाँ पर कक्षाएं चलने वाली है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट का टॉपिक है, देश का पहला लोक अदालत। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, P.R. रामचंद्र मेनन, इन्होंने देश के पहले ई लोक अदालत की शुरुआत की है। ई लोक अदालत की मदद से जितने भी मामले हैं उसको निपटाया जा सकता है। आप लोगों को पता है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे काम रुके हुए हैं, तो अदालतों का काम भी रुका हुआ है। और अदालतों का काम जल्दी से निपटाने के लिए देश में पहली बार और ख़ासकर छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। बिलासपुर में इसका उद्घाटन किया गया है और किसकी तरफ से किया गया है ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। P.R. रामचंद्र मेनन की तरफ से किया गया है। और इस ई लोक अदालत का गठन किसके तरफ से किया गया है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से किया गया है। और वर्तमान समय में अभी इस ई लोक अदालत की मदद से प्रदेश के 23 जिलों में 195 खंडपीठ में 3133 मामले जो हैं वो सुने जा रहे हैं वर्तमान समय में। तो ये वाला लाइन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये दो लाइन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले तो ये कि ये प्रदेश का पहला ई लोक अदालत है, उद्घाटन किसकी तरफ से किया गया है, गठन किसकी तरफ से किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है। तो आप लोग इतनी बातों को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और देश का पहला है तो ये कुछ खास ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
तबीयत थोड़ी सी ख़राब है यार, पूरे गले में खराश है, तो आवाज़ ठीक से आज निकल नहीं रही है, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। चलिए, इसके बाद आ जाता है मैन पार्ट में। मैनोस्ट्री तैयार हुआ है और ये मैन पार्ट का सबसे बड़ा मैनोस्ट्री है। मैनोस्ट्री कहने का मतलब है, तिब्बत में मोनोस्ट्री का मतलब होता है मंदिर, और इस मैनोस्ट्री में यहाँ भगवान बुद्ध का 20 फीट ऊंचा प्रतिमा लगाया गया है। और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैन पार्ट का ये सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा मैनोस्ट्री है। और जैसा आप लोगों को पता है, मैन पार्ट है वो सरगुजा ज़िले में स्थित है, और मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। मैन पार्ट के बारे में आप लोग तो बेसिक जानकारी जानते ही हो, लेकिन मैन पार्ट में तिब्बती लोगों के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। मैन पार्ट में लगभग 60 के दशक में यहाँ पर तिब्बतियों को बसाया गया था। टोटल 7 कैंप है जहाँ पर तिब्बती लोग रहते हैं, और यहाँ पर इनका जो मंदिर है लगभग 5 से 6 है, जिसको मैनोस्ट्री कहा जाता है, और अभी सबसे बड़ा मैनोस्ट्री का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा तिब्बतियों का मैनपाट का यह सबसे बड़ा मंदिर जो अभी वर्तमान समय में इसको बनाया गया है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और तिब्बती में मंदिर को मैनोस्ट्री के नाम से जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए, इसके बाद आज के इस डिस्कशन में हमारा जो लास्ट का टॉपिक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टेनिस संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, वन डे एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इसके पीछे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर फैक्ट समझेंगे। यहाँ पर देखिए, अभी हमने ये पढ़ा कि छत्तीसगढ़ टेनिस संघ का अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, स्क्वैक संघ के जो अध्यक्ष थे वो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह थे, उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है, और अभी वर्तमान समय में ये ए फरिश्ता स्क्वैक संघ के अध्यक्ष थे। लेकिन अब यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष बने हैं, इसके पीछे बनने का एक लॉजिक है। 25 जुलाई को होने वाला है आपका छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष, और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष जो है बनने के लिए, और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष में जब वोटिंग होता है और जो वोट करता है तो उसे किसी न किसी खेल संघ का अध्यक्ष या सचिव होना जरूरी होता है। तो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ना किसी खेल संघ के अध्यक्ष हैं और ना ही सचिव है। अब जब यहाँ पर इस संघ के अध्यक्ष बन गए हैं तो ये वोट कर सकते हैं, और इनका रास्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनने के लिए। तो 25 जुलाई को जब वोटिंग होगा छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के गठन के लिए, तब छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, यह रास्ता क्लियर है। आप लोगों के लिए यहां पर एक प्रश्न और है कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का गठन कब किया गया था। इस प्रश्न का जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे, और अगर आपको नहीं पता है तो भी बता दीजिएगा, इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। तो आज के छत्तीसगढ़ के इस वीकली करंट अफेयर्स शो में फ़िलहाल इतना ही, और बिल्कुल भी घबराइएगा मत, गारंटी है मेरा कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका मिस नहीं रह जाएगा, और प्रॉपर जितना आपको कंटेंट चाहिए उतना कंटेंट मैं देता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।